हेलो नमस्कार मित्रों, आज देख रहे हैं आप जवाहर नवोदय जो स्कूल होता है, जवाहर नवोदय जो स्कूल होता है गवर्नमेंट, उसका जो एग्ज़ाम आता है, किस प्रकार का उनका एग्ज़ाम आता है आप देखेंगे, ठीक है। इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है, सरलतापूर्वक। जैसे कि हमने एक वीडियो में पहले बताया था उसका पेपर कैसा आता है, इस प्रकार की कुछ ऐसी वीडियो है हमारा, तो उस पर हमने सोल्यूशन नहीं भेजा था, आज इनका सोल्यूशन भेजेंगे। आज बहुत ही दिनों बाद इस वीडियो को बनाने का टाइम लगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है परीक्षा का प्रकार, खंड, प्रश्नों की संख्या और अंक, ठीक है। तो मानसिक योग्यता परीक्षा फर्स्ट भाग, ठीक है, 1 से लेकर 40 तक, ठीक है। प्रश्न नंबर कितने अंकों के, 50 अंकों का, ठीक है। इसमें ये सब टोटल क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, रीजनिंग। और यहाँ पर अंक परीक्षा यानी कि अंक गणित जो है तुम्हारा 41 से 60 तक 20% है, ठीक है, 25 अंकों का, ठीक है, 1% जो है 1 अंक से अधिक का, ठीक है। और यहाँ पर देखा भाषा परीक्षण यानी कि इसमें जो पैराग्राफ दिए होते हैं और उनका उत्तर उन्हीं में छिपा होता है, ठीक है, वो इस प्रकार के आंसर क्वेश्चन दिए 20, ठीक है ना। क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 80 और प्रश्न अंक हो जाएंगे तुम्हारे 100, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर देखा किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, ठीक है। इसका समय प्रत्येक मिनट पर घंटी बजाई जाएगी, इस प्रकार ऐसा कुछ रखा, आप सारे नियम पढ़ लीजिए, देखिए एक बार ध्यान पूर्वक, ठीक है। कुछ बच्चे इसकी तैयारी में जुटे होते हैं तो उनके लिए ये पेपर बहुत जरूरी है, उनके लिए देखने के लिए, ठीक है। यदि ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। देखिए हम चलते हैं इसके पहले, देखिए यहाँ से सील होता है, ये सील पर, ठीक है, इसका कोड हो जाएगा, ये पुस्तिका का कोड, और यहाँ पर इसके यहाँ पर नाम डालना होता है, 2 घंटे का समय, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर डलता है, ठीक है ना। देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न पढ़ लीजिए, करा है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक में चार चित्र दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं, इन 4 चित्रों में से तीन चित्र किसी एक विधि से एक समान है, ठीक है। ये जो तुम्हारे 4 चित्र रखे हैं, ये 4 चित्र चार चित्रों में से 3 जो चित्र हैं एक विधि से हल किए गए हैं, ठीक है, वो करा, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, जबकि इन 3 जो तुम्हारे 4 चित्र हैं, 4 जो चित्रों में जो नियम लग रहा है एक जैसा नियम लग रहा है, बाकी एक चित्र सबसे अलग है, ठीक है, और अन्य चित्रों से चयन करें उनका उत्तर पुस्तिका का ORM पत्रिका की संख्या के माप वाले काले पर कीजिए, ठीक है। जो तुम्हारी आंसर शीट मिलती है उसका जो है उसमें आपको ब्लैक करना है, बिल्कुल गोला जो होता है, ठीक है, इस प्रकार का। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में ये है, 1, 2, 3, 4 खंड है आपके, तो इस पे किसी एक को काला करना होता है जो आंसर सही होता है, ठीक है, इस प्रकार का कुछ कह रहा हो। तो देखिए खंड नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या करा, देखिए इसमें नियम क्या लगा रखा है ना, खुद ध्यानपूर्वक देख लीजिए मित्र, इसमें नियम क्या लगा रखा है इसमें, तो देखिए इसमें नियम ये लगा रखा, देखिए यहाँ पर PQRS यानी कि ये किस तरीका से घूम रहा, इस तरीका कुछ ऐसा घूम रहा है, क्या कुछ इस तरीका से घूम रहा है, ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो पहला कौन सी दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर PQRS, तो घड़ी इस तरीका से तो घूमती है मित्रों, इस तरीका से घूमती है घड़ी, कुछ इस तरीका से घूमती है, ठीक है। और इसमें क्या लगा रखा है ना, PQRS, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है मित्रों, एंटी क्लॉकवाइज ये किस तरीका से घूम रहा, इस तरीका से घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो PQRS, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी कुछ इस तरीका से घूम रहा है, ठीक है, ये भी, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। फिर ये कह रहा PQRS, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी PQRS यानी कि ये भी इस तरीका से कुछ घूम रहा है, क्यों, क्योंकि मित्रों ये अपनी ABCD जो होती हैं, जो इनकी जो गिनती उनने स्टार्ट की है, तो आपने देखा कि ये किस तरीका से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चार मित्र जो बैठे हैं यहाँ पे किसी चित्रों में, तो यहाँ पे PQRS, तो ये जो हम यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीका से कुछ चले, ठीक है, यहाँ पर देखा PQRS, तो ये कुछ इस तरीका से चल रहा है, किस तरीका से, कुछ इस तरीका से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PQRS, तो ये भी कुछ इस तरीका, इस दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, तो यहाँ पे भी क्या चल रहा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो मित्रों यहाँ पर सबसे अलग आपने देखने में लग रहा हो ये है, तो यही इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। हमने इससे पहले इसी पेपर का जो हमने वीडियो बनाया था, तो हमने उसमें साथ ही साथ टिक मार गए थे, ठीक है, तो उस वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है, किसी कारण अपलोड नहीं हो पाई, तो हमने उन पर डिलीट मार दिया, तो इसलिए ये टिक इसलिए लगा हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, देखिए ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए समय, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ये प्रश्न हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है इसमें, देखिए तीन बिंदी, तो इसमें सभी में सभी जगह तीन बिंदी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या अंतर क्या है, देखिए इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पे देखिए अंतर ये है, यहाँ पर देखिए इसकी इस वृत्त पर उस पर वर्ग पर इसकी ये चार खूंटे जो है यहाँ पे देख रहे हो, कोई मान लीजिए तुम्हारा ये वर्ग है, कोई ये कोई वर्ग है, तो यहाँ पे ये वर्ग, तो इस तीर की जो बुझा देखिए यहाँ पे ये सर्कल तो सभी जगह रखे हुए इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे भी रखे हुए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए इस जो ये तुम्हारा ये इस तरीका का कुछ यहाँ पे टिक रहा है, यहाँ पे टिक रहा है, और इसकी जो चौंच है इसके अंदर की ओर है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी दो खूंटे यहाँ पर टिकी हुई इसके व्रत उसके वर्ग के दो भुजाओं पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी ये स्थिति देखिए ये टिक रहा है, यहाँ पे ये टिक रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये स्थिति देखिए यहाँ पर टिका हुआ, यहाँ पर टिका हुआ, मगर यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी जो जो इसका जो वर्ग ऐसा कुछ बनाकर और यहाँ पर जो ये इस तरीका ऐसा है कुछ, देखिए किस तरीका का कुछ ये इस तरीका का है कुछ, यहाँ पर देखिए इस तरीका का, ठीक है। तो यहाँ पर चौंच इसकी बाहर की ओर को और इस सबकी अंदर की ओर को, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे जो सबसे भिन्न था वही पूछा था। तो यहाँ देखिए टी आई सी सी टी आई इस प्रकार का कुछ चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है, देखिए मैं डायरेक्ट घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टी वी है, सी वी है, आई वी है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए सी वी है, टी वी है, आई वी है, ठीक है, और यहाँ पर आई वी है, टी वी है, सी वी है, तो कौन चीज नहीं है इसमें, देखिए ये इसमें आई नहीं है, तो ये सबसे भिन्न है, यानी सबसे भिन्न होने के कारण ये सबसे आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा देखिए यहाँ पर देखिए तीन चल रहे हैं, यहाँ पर भी तीन चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर देखिए चार है तो यहाँ पर भी चार है, ठीक है, और यहाँ पर पांच है, यहाँ पर चार है और यहाँ पर तीन है, ठीक है, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो है, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मित्रों इसमें चार है और इसमें तीन है, ठीक है, और नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए था मित्रों, यहाँ जो यहाँ पर चल रहा था वही यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर चल रहा है वो यहाँ पर, जो यहाँ पर चल रहा है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा यहाँ पर तीन है इसमें पांच है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पांच में देखिए करा निर्देश निर्देश प्रश्न संख्या एक पांच से आठ में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, ठीक है, दाईं ओर ए बी सी डी के चार चिन्ह चार उत्तर चित्र दिए गए हैं, उनमें से प्रश्नों के समरूप समरूप कहते हैं मतलब बिल्कुल समान है, बिल्कुल समरूप का मतलब बिल्कुल समान होता है, ठीक है। चित्रों में से चुने गए उत्तरों को दर्शाने के लिए ओ आर एम पत्रिका को संगीत में काला वृत्त को काला करें, ठीक है, तो ये दरअ खास होना, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस जैसा चित्र हमें समय इन चारों में से कोई सा एक छांटना है, बिल्कुल सेम रखा हुआ, देखिए यहाँ पर टिक लग रहा है, वैसे आंसर ये जाएगा, मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग सर्किल बन रहा है, ठीक है, सर्किल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो सर्किल यहाँ पे भी बन रहा है, मगर इसकी जो सर्किल के अंदर जो ये इस प्रकार का कुछ बना हुआ है, ये सर्किल है तुम्हारा, सर्किल में जो इसकी जो रेखा है ये वाला रेखा खंड है, तो इस प्रकार से खींच रहा है, ठीक है, जबकि हमने देखा यहाँ पर देखिए किस तरीका खिंचा हुआ, इसमें देखिए इस तरीका का खिंचा हुआ, तो अपने जो चित्र में बिल्कुल समरूप की बात कर रहा है, किसकी समरूप की, तो बिल्कुल समान छांटना है, ठीक है, तो ये इस तरीका का, तो इस तरीका का तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पर देखिए सर्किल में, यहाँ पर सर्किल में दो खिंचा हुआ, ये तुम्हारा इस प्रकार का, यहाँ पर सर्किल में दो ये खिंचा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर देखिए ये है, ठीक है, ये भी हो सकता है और यहाँ पर ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी इस प्रकार का, यहाँ भी इस प्रकार का, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आयत बना हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, और यहाँ से भी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी अंतर चल रहा है, यहाँ पे ये चीज यहाँ वाली और यहाँ वाली, यहाँ वाली, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल सेम रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये इसमें जो तुम्हारी ये चित्र दिया है, तो इसमें मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, कोई ये त्रिभुज दे रखा है इसने, ऐसा मानेंगे हम, यहाँ पे ये त्रिभुज दे रखा है इसने, ये त्रिभुज देख लीजिए, ये यहाँ पे, तो इसमें जो रेखाएं इस तरीका की कुछ खींची हुई है, बिल्कुल इस प्रकार की खींची हुई है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह, और इसमें भी इस तरीका की खींची हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें तो बिल्कुल सही खींची हुई है, मगर इसमें जो खींची हुई है तुम्हारी ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, तो इसमें कुछ ऐसा खींची हुई है इस प्रकार से, कुछ खींची हुई है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बिल्कुल इसके तरह सेम निकालना है, ठीक है, तो जैसे कि ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताइए, यहाँ से बताइए, ये देखिए इसकी आकृति घूमी हुई है, ठीक है, ये देखिए ये चीज ये वाली जो चीज है इसकी ऊपर होनी चाहिए थी यहाँ वाली, ठीक है ना, और यहाँ वाली इसमें
अंतर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाली चीज़, यहाँ वाली चीज़ इसने उठा कर यहाँ पर रख रखी, ये कर रख रखी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले को, देखिए तो ये बिल्कुल देखिए सेम ही है, बिल्कुल कभी सेम है। देखिए ये वाली चीज़ इसने यहाँ पर ये रखा है और यहाँ वाली चीज़ को यहाँ पर उठा कर रखा, ठीक है। काला यहाँ ब्लैक हो रहा है तो ब्लैक यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बिंदी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये चल रहा तुम्हारा, यानी कि सर्किल बना हुआ है चारों में, तो यहाँ पे सर्किल है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस मानेंगे गुणा है और माइनस है, ठीक है। तो यही इसमें प्लस मान लीजिए तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए क्या चल रहा है, इसमें प्लस है और इसमें देखिए इसमें प्लस है, तो ये भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है ये, क्यों, क्योंकि मतलब देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, समरूप छांटना आपको, समरूप, ठीक है। तो समरूप में क्या होता है, देखिए तो समरूप में आपने ये होता है, देखिए बिल्कुल समान छांटना होता है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहीं प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे चिन्हों की जो दिशा है वो बदल रखी है, यहाँ पे देखिए माइनस के स्थान पे प्लस है, प्लस के स्थान माइनस, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो इसमें क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस दे दिया और यहाँ पर भी तुम्हारा माइनस दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर प्लस दे दिया तो यहाँ पर प्लस दे दिया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। आप देखेंगे बिल्कुल ये सेम रखा, क्या रखा, बिल्कुल सेम रखा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सब बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रखा, देखिए एक आयत में चार छह तुम्हारे वर्ग दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें दो तुम्हारे क्रॉस के निशान है, गुणा के निशान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो एक जगह आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे तीन एक तीन दे रखे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए मित्रों ये और चित्र बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रों यहाँ पे देखिए इसमें अलग अलग दे रखे हैं और इसमें तीन भी क्रॉस के निशान दे रखे हैं, ये दे रखे, इसमें भी क्रॉस के निशान तीन, इसमें भी क्रॉस के निशान तीन, जबकि होने चाहिए कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक, बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है, ये तुम्हारे सामने ये, ठीक है ना, इसका एक भाग इनमें से कोई सा भी भाग लुप्त है, ठीक है। एबीसीडी में एबीसीडी पर गौर करें कि उस चित्र में लगाए गए जिसमें कि बिना दिशा परिवर्तन के चित्र को संगत के वाले वृत्त को काला करें, ठीक है, बिल्कुल इसमें यहाँ पर कौन सा भाग फिक्स होएगा ये दिखाना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दो बिंदी चल रही है, यहाँ पर क्या बिंदी चल रही है, दो बिंदी चल रही है, तो दो बिंदी वाला देखिए ये भी हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रों इसकी दो बिंदी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, अपनी जो बिंदी है, ये वाली जो बिंदी है यहाँ पर इस तरीका का, कुछ इस तरीका का, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर इस वाले में कौन सा दे रखा, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा, इसने घुमा करके दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें जो फिक्स बैठाना है यहाँ पर, बिल्कुल सेम छांटना है जो यहाँ पर फिक्स हो जाए, तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मतलब देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पर क्या अंतर चल रहा, देखिए ये क्यों नहीं हो सकता, और यहाँ पर पहले देखिए ये तो हो सकता है, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार का दे रखा है ना, ये दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज जो है तुम्हारी, यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर देखिए दोनों में बिंदी दे रखी है, एक में बिंदी, इसमें एक तरफ बिंदी चल रही है, और इस चीज को मैं इस तरीका का कुछ ऐसा बढ़ाऊँ इस तरीका का, ठीक है, और इस चीज को मैं इस तरीका का बढ़ाऊँ, तो यहाँ पर दो बिंदी आ जाएंगी और यहाँ पर कोई बिंदी नहीं आएगी, तो यहाँ पर दो बिंदी है, इसमें ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पर ये तो सबसे अलग ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले नियम क्या लगाना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये इसकी भुजा इस तरीका का खींची है, तो इसकी भुजा भी ये भी इस तरीका का, ये भुजा इस तरीका का, तो ये बिल्कुल समांतर है इसके, खींचने का मतलब ये बिल्कुल ये वाली जो भुजा और ये भुजा बिल्कुल समान हो जाएंगी, यानी कि समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा जो है ये वाली, और यहाँ पे इसके समांतर यही भुजा होनी चाहिए इस तरीका का, ठीक है, इसकी दिशा भी यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी दिशा, देखिए ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो यहाँ वाला भाग आ जाएगा, यहाँ वाला भाग, ये वाला, ठीक है ना, और यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भाग इसका हो सकता है, कौन सा भाग हो सकता है, इसमें ये भाग हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज और रखा उसने, यहाँ पे एक चीज और रखी उसने, देखिए ये तीर का निशान इसके ऊपर वाली पे होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर वाला हो रहा है, तो ये इसके करेक्ट जहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ केंद्र हो रहा है वहां से चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीज जो यहाँ से, यहाँ पे देखिए मैं इसको समझा देता हूँ एक बार, यहाँ से आपको देखिए, तो ये चीज देखिए कौन सी वाली चीज, देखिए यहाँ से तुम्हारा ये कुछ इसने वर्ग दे रखा है, यहाँ पर आयत वर्ग, देखिए यहाँ पर तो तुम्हारा को ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, वर्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली जो वर्ग में ये वाली जो सब में खींचा हुआ पीछे की ओर, यानी कि यहाँ से, यानी कि देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ से ठीक है, और यहाँ से एक इस प्रकार से कुछ खींच रखा ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके समांतर ये खींच जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसा देखना है ठीक है। तो ऐसा कौन से में देखिए यहाँ पर यही मिलेगा, इस बाकी कोई से में नहीं मिलेगा ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ठीक, क्योंकि ये वाली जो रेखा ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाली यहाँ से लेकर हमने जो खींची यहाँ तक, तो ये बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, सभी में यही नियम लगा रखा है इसमें। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये नियम लग रहा है यहाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नियम यही लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नियम इस वाली में ये नियम लग रहा है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सी आकृति गायब हो जाएगी ठीक है। तो इसमें आकृति देखिए, इसमें तो इसमें जो ये तुम्हारा बन रहा है इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसे इस तरीके से कुछ बढ़ा लेता हूँ, इस तरीके से कुछ बढ़ा लिया मैंने ठीक है। तो ये सर्कल बन गया, अब यहाँ से देखिए इस तरीका, और इसमें क्या लगा रखा, देखिए हम यहाँ से ऐसा कुछ बना देंगे, यहाँ से इस तरीका का कुछ बना देंगे, ये बन गया, और ऐसे ही सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा ही कुछ बना देंगे ठीक है। तो ऐसा चित्र, और इसके बाद में फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा इस प्रकार से कुछ सीधा यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधा बनता हुआ इस तरीका का ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा बन चुका है ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ इस तरीका का लगा देंगे हम, ये इस तरीका का ठीक है। तो इस तरीका का किसमें देखिए, ये तो हो नहीं सकता, क्यों यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें ये चीज़ नहीं है, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ इन्हें एक्स्ट्रा में लगाई हुई है, कौन सी वाली चीज़ लगाई, ये वाली एक्स्ट्रा में लगाई हुई है ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्योंकि इसका जो अड़ंगा लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है, आज ये वाली जो चीज़ है जबकि होनी चाहिए थी अपने नीचे, तो इन्हें लगा रखे ऊपर ठीक है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो बहुत सारे झंझट देख रहा अब कमी है, यानी कि ये सिस्टम भी नहीं है, ये चीज़ की और इस चीज़ की बात चली है ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता बताइए ज़रा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसमें और इसमें अंतर क्या है देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है देखिए। तो देखिए ये चीज़ जो है यहाँ से, जो हमने ये तीन जो चीज़ें यहाँ पर ये एक जगह से जुड़ी हुई होती हैं, जो कौन सी वाली चीज़ें बताइए, ये वाली जो चीज़ें तीनों, देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की जो चीज़ें ये तीन चीज़ यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए, और जबकि इसमें कौन से में इसमें कहाँ से जुड़ रखा देखिए, इसमें ये तो इसने यहाँ से जुड़ रखा, एक तो यहाँ से इन्हें ये जुड़ रखा, तो यहाँ से कौन सा वाला, ये इसने यहाँ से जोड़ रखा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इन्हें छोड़ रखी है ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ बिल्कुल सेम हो जाएगी, तो इसका करंट आंसर कौन सा जाएगा, ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाली रेखा बिल्कुल इससे होती हुई जा रही है ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए गुणा प्लस भाग और माइनस ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ चल रहा, देखिए गुणा प्लस भाग, यानी कि सर्किल में देखे होंगे बिल्कुल चिन्ह बिल्कुल क्या समान है, यानी कि ये वाले जो दोनों बिल्कुल समान है ठीक है, गुणा प्लस और ये वाले ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल समान चल रहा है, यानी कि गुणा प्लस और भाग माइनस ठीक है। तो यहाँ पर गुणा गुणा प्लस माइनस भाग, तो यहाँ पर गुणा प्लस भाग प्लस ये ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर देखिए भाग होना चाहिए था, भाग के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर भाग ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारा बदलाव है, यहाँ पर भी ये भी नहीं हो सकता ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं तुम्हारे के चल रहा समय, देखिए गुणा तो गुणा प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में देखिए ये तो तुम्हारा बच्चे के द्वारा लगाया गया, हमने जो करा था अभी, ये बच्चे ने किसी ने कराया बोर्ड में, तो वहाँ पर जाकर किसी बच्चे ने मार दिया ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या रखा, देखिए इसमें एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो ये कह रहा है बाई और चित्र दिए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में पूरा करने के लिए दाई और उपलब्ध चित्रों में से किसी एक चित्र का चयन कीजिए, खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए जाने वो आर एम को काला कीजिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा, देखिए ये तीर का निशान एक बार ऊपर गया, तो एक बार ऊपर जा रहा है, यहाँ पर डबल हो गया, डबल होने के बाद नीचे की ओर जा रहा बत्ती, यहाँ पर देखिए ये चीज़ बिल्कुल यहाँ वाली चीज़ बिल्कुल ऊपर जा रही है, यानी कि इससे मिलकर के ये बना और इस चीज़ से मिलकर के कौन सा बनेगा इन चारों में से ठीक है। यहाँ से इस चीज़ से मिलकर के तो ये बना, अब इस चीज़ से मिलकर इन चारों में से कौन सा बनेगा, देखिए नियम क्या लगा रखा, देखिए एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर गया नीचे गया ठीक है। तो एक बार ऊपर को आना चाहिए, कौन सा वाला यहाँ से, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, देखिए ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर ऊपर होनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली जो नियम है यहाँ पर ये वाला होना चाहिए, ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा, क्यों, देखिए मैंने ये क्यों बनाया, देखिए देखिए यहाँ पर ये तीर का निशान है, तो एक तिल्ली आ गई माचिस की, ये फिर तीर का निशान नीचे गया, तो ये वाली माचिस तिल्ली ऊपर जानी चाहिए ठीक है। तो ऐसा चित्र देखिए कौन से में रखा इसने, करेक्ट आंसर ऐसे कौन से में रखा, देखिए यहाँ पर देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तीर का निशान यहाँ पर आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका होना चाहिए, इसका आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब बिल्कुल सेम ही रखा है ठीक है। तो
इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नियम लगा रखा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो तुम्हारा यहाँ पर ये जो रखा है तुम्हारा, ये इस प्रकार का रखा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें इन पहले इन दोनों में अंतर देखेंगे, क्या अंतर चल रहा है, देखिए इस इन दोनों में अंतर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, सबसे ऊपर वाली चीज़ सबसे नीचे बैठा रखी है, सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे बैठा रखी है, तो ऐसे ही हम सबसे ऊपर वाली चीज़ को सबसे नीचे बैठाएंगे। तो सबसे ऊपर वाली चीज़ यानी कि ये वाली चीज़ को हम सबसे नीचे लिख देता हूँ। देखिए इस तरीका का कुछ मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें देखिए, इससे मिलकर तो ये बन गया, तो इससे मिलकर कौन सा बनेगा, इन चारों से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नियम जो लगा रखा, देखिए सबसे नीचे वाली चीज़ इन्हें सबसे ऊपर बैठा रखी है, ये सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे बैठा रखी है, यानी कि ऊपर वाले यहाँ पर बैठा दिया, तो मैं सबसे ऊपर वाली इस वाली चीज़ को सबसे नीचे बैठा दूंगा, यानी कि ये बैठा दिया मैंने यहाँ पर, ये बैठा दिया है, बैठा दिया। अब फिर देखिए ये बीच वाली चीज़ इसने कहाँ बैठा रखी, बीच वाली सबसे ऊपर बैठा रखी, बीच वाली सबसे ऊपर बैठा रखी, तो ये वाली चीज़ को मैं सबसे ऊपर बैठा दूंगा, तो बीच वाली चीज़ को सबसे ऊपर बैठा दूंगा, यानी कि कहाँ पे कौन से स्थान पे बैठा दूंगा, बीच वाली चीज़ अपनी कौन सी, ये है, तो इस वाली चीज़ को मैं कहाँ बैठा दूंगा, ऊपर बैठा दूंगा। जैसे कि इसने ये वाली चीज़ उठा करके यहाँ रख दिया इसमें, तो यहाँ वाली चीज़ को, तो ऐसे ही मैं देखिए इस वाली चीज़ को मैं ऊपर रख दूंगा, यानी कि ये वाला जो गोला तुम्हारा ये जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में फिर देखिए ये तीसरे नंबर पर आ जाता है, तो सबसे नीचे वाली जो चीज़ है ये, तो यहाँ पर कैसा बैठा रखा, बीच में बैठा रखे सब, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली चीज़ मैं बीच में बैठा दूंगा, तो ये सबसे नीचे वाली चीज़ ये वाली जो चीज़ है सबसे इन्हें बीच में बैठा, तो मैं यहाँ पर देखिए इसमें नीचे क्या ये है, तो मैं इसे यहाँ पर बैठा दूंगा, इस तरीका का कुछ यहाँ पर बैठा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हारा इस तरीका का, ठीक है, इस प्रकार का चित्र कोई से कौन से दिखाई दे रहा, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सर्किल है, तो यहाँ पर ये वर्ग है, यहाँ पर सर्किल है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे देख लेते, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा का निशान दे रखा है, यहाँ पर ये गुणा का निशान दे रखा, और यहाँ पर देखिए इसके भी गुणा का निशान दे रखा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट में, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या चल रहा है, देखिए इसकी जो इसके जो ये पैर हैं, ये वाले जो इसके ये इसका तो मुंह हो गया, ये इसका पैर हो गया, तो इसका मुंह और इसके पैर की ओर को जा रहा है, ठीक है, इसका पैर की ओर को इसका मुंह जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली जो चीज़ है इसके यहाँ आ रही है, ठीक है, ये वाला था इसका मुँह, तो यहाँ पर आ गया, अब इस वाले का जो मुँह है इसके पैर की तरफ को आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर बनना है, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने, तो यहाँ पर इसका पैर जो है इस वाले चीज़ का, ये वाला जो है इसके पैर पे क्या होना चाहिए, इसका मुंह होना चाहिए दूसरे वाले का, तो इसका जो मुंह आएगा, तो यहाँ पर इसका मुंह आना चाहिए इस तरीका का कुछ, ठीक है, तो इस तरीका का देखिए किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या चल रहा है, देखिए इसमें मैंने बताया कि इसका जो ये तीर का जो चिन्ह है इसके पैर की ओर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पर आना चाहिए इसका ये पैर का जो चिन्ह है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो पैर का जो चिन्ह हो जाएगा इसका, यानी इसका पैर का चिन्ह ये होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मित्रों देखिए इसका जो पैर का जो चिन्ह यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, इसके मुंह के स्थान पर ये वाला इसका पैर हो जाएगा और इसका मुंह ये हो जाएगा, ठीक है, एक बार ये भी देख सकते, देखिए इसने कितनी डिग्री घुमा रखा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री घुमा रखा है इसने, देखिए ये तुम्हारा चीज इस वाली चीज को इसने कैसे करके पलट दिया बताइए, इसके कुछ इस तरीका से घुमा दिया, किस तरीका कुछ इस तरीका से घुमा दिया, ठीक है, ये वाली चीज़ तो यहाँ पर पहुँच गई, ऐसे ही देखें हम इस वाली चीज़ को हम किस तरीका से घुमाएंगे, कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, तो इसका जो चित्र बन जाएगा बिल्कुल सेम इसके तरह होने वाला हो जाएगा, ठीक है, मगर इसके इसकी जो पैर का जो दिशा है, इसके पैर की दिशा नहीं होगी, ठीक है, तो इसके पैर की दिशा इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसके पैर की दिशा मेरे हिसाब से तो आंसर इसमें यही होना चाहिए, ठीक है मित्रों, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना, देखिए इसमें तो यहाँ पर बिल्कुल इसके तरह देखना, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा, देखिए यहाँ पर इसने क्या बढ़ा, देखिए इसमें क्या बढ़ा रखा, देखिए यहाँ पर ये तो सब कुछ ये चल रहा, तो यहाँ पर देखिए ये तो ये रखा है, ठीक है, ये इसके काट रहा है, इस तरीके से काट रहा है, यहाँ पर देखिए एक चीज ये इसमें एक सर्कल बढ़ा दिया, एक ये बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें देखिए क्या करना है, इसमें यहाँ से लेकर इसमें क्या बदलाव हुआ, देखिए यहाँ से देखिए एक तो इसने ये वाली भुजा इसने अलग से बना रखी है, तो यहाँ पर देखिए हमें ये वाली भुजा इसमें भी एक बढ़ानी होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा को मैं इस तरीका का ऐसा कुछ बढ़ा दूंगा, इस तरीका का बढ़ा दूंगा, यहाँ पर एक बिंदी लगा दूंगा, ठीक है, तो इस तरीका कुछ देखना, क्यों मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल था, तो इसने एक भुजा यहाँ पर इसमें थोड़ा घुमा करके इसने एक भुजा लगा दी, कौन सी वाली भुजा, ये वाली लगा दी, तो हम इसमें भी एक भुजा ये वाली लगा देंगे, इसमें जैसे हमने इसने ये लगाया, एक भुजा ये लगाया, तो इसमें भी मैं इस वाली अगला चित्र बनाने के लिए यहाँ पे जो चित्र बनेगा तो एक भुजा यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है, जैसे ये बने ये बनाया, तो यहाँ पे देखिए ऐसा चित्र कोई से दे रखा कि नहीं दे रखा, तो यहाँ पे देखिए इसका ऐसा आंसर कौन से दे रखा इसने, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर, देखिए करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, क्यों क्यों देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों देखिए इसमें जो तुम्हारा ये
यूं आकार का होता है, इसमें जो रेखाएं नुकर के खींची हुई इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें देखिए रेखा इस प्रकार से खींची हुई है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और रेखा इसमें देखिए इस प्रकार हो सकती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम देखिए यू आकार का जो तुम्हारा यू आकार का, तो इसमें ऐसा कुछ खींचा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ यू आकार तो सही है, मगर इसमें इस प्रकार का कुछ खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार का खींचा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करा, ये करा निर्देश संख्या 17 से 20 तक में प्रत्येक में चित्र में दो चित्रों को सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। प्रथम सेट को दो प्रश्न चार एक संबंधित चित्रों संबंधित है, ठीक है। और अब प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, इस तरीका का संबंध दूसरे सेट का तीसरे चौथे संबंध में भी होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या ना मतलब क्या देखिए, इस चीज से मिलकर के तो ये बन रहा, ठीक है। और इस चीज से मिलकर के इन चार में से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रखा, देखिए इसने यहाँ पे क्या बना रखा तुम्हारा, कितनी खूंटे हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 दे रखी है, और यहाँ पे देखिए इसमें ये कारक दे रखा है, डेड इस प्रकार का वो बना रखा है, इसमें एक इस तरीके का कुछ खींच रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गायब कर रखा, देखिए तो हम भी क्या करेंगे, देखिए खूंट देखिए 1 2 3 3 खूंटे हैं, तो 1 2 3 3 3 3 तो खूंटे जिनमें सब में है, सभी में है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या गायब कर रखा था इसने ये वाली रेखा इसने गायब कर रखी, तो हम भी इस वाली रेखा गायब करेंगे, तो चित्र कौन सा बन जाएगा बताइए। देखिए चित्र ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अंदर वाले चित्र की गायब करी, तो हम भी अंदर वाले की गायब करेंगे, तो ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार का कोई चित्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए बताइए। करेक्ट आंसर इसका यही होना चाहिए मित्रों, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रखा है इसने, बी है, तो ये वाले बी, ये भी बी बी की दोनों भुजाएं इस प्रकार से कुछ मिल रही है, ठीक है, दोनों ओर को। तो ई है, तो ई वाली भुजा भी हम इस तरीके से कुछ मोड़ देंगे, तो करेक्ट आंसर इसका देखिए कौन सा होना चाहिए। करेक्ट आंसर यही होना चाहिए मित्रों इसका, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी में क्या चल रहा, देखिए बी इसकी तरफ बना हुआ, तो बी भी इस तरफ बना, तो यहाँ पर ई दोनों एक सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा, देखिए देखिए ये तीर के निशान बिल्कुल एक जैसे एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या चल रहा, देखिए ये इसमें जो सर्किल है बिल्कुल सर्किल एक जैसा होना चाहिए, सर्किल क्या होना चाहिए, सर्किल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सर्किल चल रहा, तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज है मैंने इस तरीके का, ये वाले जो सर्किल है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चला रखा है इसने, ये वाली जो चीज है ऊपर वाली चीज को नीचे बैठा रखा है इसने, ठीक है। तो हम ऊपर वाली चीज को मैं नीचे बैठा दूंगा, कुछ इस तरीका का बैठा दूंगा, इस तरीका का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है इसमें, देखिए इससे मिलकर ये बना और इससे मिलकर नमस्क कौन सा बनेगा। देखिए ऊपर वाली चीज नीचे बैठा रखी है, और ये वाली चीज को मैं ऊपर वाली नीचे वाली को ऊपर बैठा दूंगा, किस तरीका से, कुछ इस तरीका का, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऐसा चित्र कौन से अंदर रखा, देखिए तो देखिए ये वाला चित्र बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम देखिए इसमें देखिए सर्किल में ये बना रखा है, और यहाँ पर क्या बढ़ा रखा है, इसमें बिंदी बढ़ा रखी है, ठीक है, इसमें बिंदी बढ़ा रखी है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, देखिए यहाँ पर इसने ये इसमें बिंदी बढ़ा रखी है, और ये वाला जो चिन्ह है इसने इस वाली इस प्रकार से न खींच करके इसने सर्किल में ही इस वाले को ऐसा कर दिया, और इसमें बैठा दिए चार चार, ये बैठा दिए इसमें बिंदी इस प्रकार से, ठीक है ना, चार चार ये बिंदी बैठा दिए इस तरीका का, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बैठाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो इस वाली चीज को हमने भी इस प्रकार से कर लेंगे, प्लस वाला चिन्ह बना लेंगे इस तरीका का, ठीक है ना। तो ये हमारा चिन्ह हमने ये बना लिया, ठीक है, और इसमें बिंदी कितनी लगा रखी है इसमें, चार, तो हम भी इसमें चार चार ही लगा देंगे, कितनी, चार चार ही लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बस यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो ऐसा चित्र कौन सा बना हुआ, ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही जाएगा, ये नहीं हो सकता कि तुम तो यहाँ देखिए यहाँ दो एक से यहाँ पर दो ये थे, तो दो एक से यहाँ देखिए यहाँ हो सकते हैं, तो यहाँ बिंदी अलग दे रखे, यानी बिंदी अनंत दे रखे, गिनती बहुत दे रखी, अनंत नहीं मतलब गिनती ज्यादा दे रखे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें, देखिए इसमें चौखूट यानी कि आयत में आयत वर्ग में वर्ग दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो तुम्हारे सर्किल थे, तो यहाँ पे सर्किल ही दे रखे हैं, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमता है, इसलिए हम आप आगे के लिए नहीं बता सकते, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए किस प्रकार के हैं आगे के लिए, ठीक है। इस प्रकार आगे कुछ करने वाले हैं, देखिए देखिए इस तरीके का कुछ करने वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले आगे करने वाले हैं। मैं सारे पेपर को सोल्यूशन आपके पास भेज दूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।